क्वेश्चन 7. देयर आर 4 इंजीनियर्स अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग 4 प्रोजेक्ट. इंजीनियर 1 इज नॉट कंप्लीटेड टू डिजाइन प्रोजेक्ट 3. गिवन द टाइम एस्टिमेट रिक्वायर्ड बाय ईच इंजीनियर टू डिजाइन ए गिवन प्रोजेक्ट. सी टेबल. देन ये क्या है? अनसुटेबल. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड एंड असाइनमेंट विच मिनिमाइज द टोटल टाइम. हमें मिनिमाइज गिवन है, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और जो हमें अनसुटेबल है उसको हम एम लेट कर लेंगे. पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? रो रिडक्शन. मिनिमम इज 3121. यहाँ पे हम माइनस करके लिख देंगे. 10 - 3 = 7. 3 - 3 = 0. एम एज इट इज. 8 - 3 = 5. यहाँ पे हमने ध्यान रखना है एम माइनस थ्री नहीं लिखना, ओनली एम. अनसुटेबल का मतलब है इस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हम माइनस करें या असाइनमेंट दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको हम एम ही छोड़ेंगे. देन इसके बाद कॉलम रिडक्शन. मिनिमम इज 1004. यहाँ पे हम माइनस करके लिख देंगे. देन हमारा ये मैट्रिक्स बन गया. उसके बाद हम असाइनमेंट देंगे. फर्स्ट रो में 10, इसको असाइनमेंट दे दी. सेकंड रो में 20, इसको हम छोड़ देंगे. थर्ड रो में 20, इसको भी छोड़ देंगे. फोर्थ रो में इसको हमने असाइनमेंट दे दी. मीन्स की इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस लग गया. देन हम कॉलम वाइज चेक करेंगे. फर्स्ट रो में 10, इसको हमने असाइनमेंट दे दी. यहाँ पे हमने दे दी थी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारी असाइनमेंट आएगी. सो गिवन मैट्रिक्स क्या था हमारा? ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग असाइनमेंट दे दी. इंजीनियर्स 1 अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 4 को, 3 1, 4 इज 3 पे. देन हमने यहाँ पे लिख दिया इंजीनियर्स 1 2 3 4 टू प्रोजेक्ट 2 4 1 3. जेड मिनिमम इज इक्वल टू 3 + 5 + 3 + 1 = 12 इज रिक्वायर्ड आंसर.